भोजपुर जिले की मसाड़ ग्राम स्थित जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की लगभग 700 वर्ष प्राचीन मंदिर जी में 108 कुंभ कलशों, मिट्टी से बने कलश से अभिषेक, पंचरस अभिषेक, पूजन एवं जगत की रक्षा करने वाले श्री क्षेत्रपाल जी महाराज की विशेष आराधना बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। विदित हो कि श्री मूनलाल इंडाउनमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत यह जैन मंदिर आरा बक्सर रोड पर आरा से लगभग 12 किलोमीटर पश्चिम मसाड़ ग्राम में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि आज से लगभग 2900 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ अपने भ्रमण के दौरान काशी से श्री शमेध शिखर जी जाते समय इसी स्थान पर विश्राम किए थे एवं आहार ग्रहण किया था। इसी दौरान भगवान की वाणी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देवगण ने एक शमोशरण की रचना की थी। इसका प्रबंधन स्वयं देवराज इंद्र ने किया था। शमोशरण में भगवान एक स्थान पर हवा में विराजमान होकर उपदेश देते हैं और उनकी वाणी को सुनने के लिए देव देवी मुनि आरिका मानव के अलावा जगत के सभी प्राणी इकट्ठा होते हैं। भगवान का मुख एक दिशा में होता है परंतु सभा में चारों ओर उपस्थित सभी प्राणी को ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान उन्हें ही देख रहे हैं और जो प्राणी जिस भाषा को समझता है उसे भगवान की वाणी उसी भाषा में सुनाई देती है। श्री मूनलाल इंडाउमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि इस मंदिर जी का ऐतिहासिक महत्व कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है, जिससे यह पता चलता है कि 13वीं शताब्दी में सन 1386 ईस्वी क्षत्रिय जैन विमलनाथ जी ने और पुनः 17वीं शताब्दी में सन 1762 ईस्वी में आरा नगर के सेठ शंकरलाल जी जैन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। डॉक्टर जैन ने बताया कि इस अति प्राचीन मंदिर जी में एक बार पुनः जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसी जीर्णोद्धार कार्य की प्रभु से अनुमति लेने के उद्देश्य से आज का यह अनुष्ठान संपन्न किया गया। इस ऐतिहासिक अतिशयकारी मंदिर में आयोजित इस पूजन कार्यक्रम में आरा जैन समाज के कई महिला पुरुष बच्चों के साथ अन्य सैकड़ों अतिथिगण सम्मिलित हुए। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित आरा जैन समाज के युवक डॉक्टर शशांक जैन के कुशल नेतृत्व में पूजा संपन्न हुई। जब दिव्य मंत्रोच्चार के साथ विभिन्न पंचरस से भगवान का अभिषेक हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं और पुष्प वृष्टि का विहंगम दृश्य देखकर तो लगता था कि मानो देवलोक से देवगण स्वयं भगवान पर पुष्प वृष्टि कर रहे हो। वहीं चार शंख की रक्षा करने वाले श्री क्षेत्रपाल जी की भी विशेष आराधना करते हुए मंदिर जी के निर्विघ्न जीर्णोद्धार की अनुमति प्राप्त की गई। पूजन में भाग लेने वालों में ट्रस्टी डॉक्टर हर्षित विजय जैन, अरिहंत विजय जैन, सिद्ध विजय जैन के साथ श्रीमती शिपी जैन, रेशु जैन, जिनवानी जैन, श्रेष्ठ विजय जैन, सर्वज्ञ जैन, अमृता जैन, मृदुला अग्रवाल, वीना जैन, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, शारदा जैन, ओंकार अग्रवाल, शाहू जैन, सम्यक जैन, जूही जैन, लोकेश जैन, नम्रता जैन, साक्षी जैन, राजेश जैन, शशि जैन, सोनी जैन, रेखा जैन, विभु जैन, ऋषु जैन सहित दर्जनों नर नारी सम्मिलित थे। कार्यक्रम में एनआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर पीके जैन, हेमंत कुमार अग्रवाल, मेजर राणा प्रताप, सुषमा अग्रवाल, छपरा के विशाल जैन, सौम्या जैन, तान्या ऋषभ चंद जैन, कीर्ति जैन, श्वेता जैन, रवि अग्रवाल, हिमांशु नारायण अग्रवाल, रोशन चंद्र जैन, राणा सिंह, पप्पू सिंह, विजय कुमार, संजय सिंह, आदेश जैन, संजय जालान, शीला जालान, मोहित जालान, आनंद, राकेश पाठक, सुलोचना जैन, प्रज्ञा जैन, रेणु जैन, प्रकाश चंद जैन, स्वर्णिका जैन, भावेश जैन, सुशील सिंह, राहुल कुमार, संजय तिवारी, आनंद वर्मा, विजय कुमार, सरोज सिंह, बिट्टू सिंह आदि उपस्थित रहे। इस अनुष्ठान में सुमन जैन की ओर से सभी अतिथियों के लिए साधर्मी वात्सल्य की व्यवस्था की गई थी। आज की यह विशेष पूजा अर्चना श्री मंदिर जी के जीर्णोद्धार के लिए देवता से व छत्रपाल जी महाराज से यह परमिशन लेने के लिए है कि हम यहाँ छेनी हथौड़ी चलाएंगे, हम यहाँ कुछ कार्य कराएंगे, जो लेबर्स लगेंगे या हमसे यदि किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो आप क्षमा करेंगे। और हम चूंकि इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं इसलिए देवता से आदेश लेना आवश्यक माना गया है, तो हम लोग आज उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर, 700 साल पुरानी ये मंदिर है, यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ से कोई भी धार्मिक संस्था है उसके द्वारा पैसा भी यह अभी मूनलाल इंडोमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हम लोग स्वयं से कर रहे हैं और ये एक प्रयास आरंभ करने का है। वैसे सरकार के पर्यटन विभाग ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए सैंक्शन किया हुआ है 2019 से ही, परंतु अपरिहार्य कारणों से अभी तक उसका सैंक्शन मंदिर जी को प्राप्त नहीं हो सका है। फिर भी चूंकि मंदिर काफी उपेक्षित है, जैन धर्मावलंबियों की इच्छा थी कि नहीं आप लोग अपने मंदिर का जीर्णोद्धार कराइए, हम लोगों का भाव नहीं बन पा रहा है वहां आने जाने में क्योंकि गंदगी रहती है,
तो हम लोगों ने वो जीर्णोद्धार कार्य आरंभ कराने का आज निर्णय लिया और आज भगवान से परमिशन लेने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मंदिर जी के लिए ये कहा गया है कि आज से 2800 वर्ष पूर्व यानी ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व जब भगवान पार्श्वनाथ काशी से समय शिखर जी को जा रहे थे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस वक्त उनका यहाँ पड़ाव हुआ था और पड़ाव होने के साथ साथ बहुत बड़ी विशेषता यह है कि हर तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर हैं और प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में एक से दो समोसरण की ही रचना हो पाती है। जो कहावत है कि यहाँ समोसरण की भी रचना श्री पार्श्वनाथ जी के लिए की गई थी, जिसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं, दानव मानव पक्षी पशु सारे यहाँ बैठे थे और भगवान जिस जगह खड़े होकर बैठकर अपनी बातें कह रहे थे, उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ भगवान का फेस है, जिसको हम लोग समोसरण कहते हैं और उस समोसरण की भी रचना हम लोग यहाँ कराएंगे। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है, परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना वास्य उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ईटीसी बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।